गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास थ्री में सब्जेक्ट मैथ स्टेप में एक्सरसाइज 14 और 15। नेक्स्ट पिछले वीडियो में हम आप लोग को एक्सप्लेन किए थे एक्सरसाइज 12 और 13 के बारे में, जिसमें से मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में समझाए थे, नंबर्स ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में समझाए थे, एक एक करके समझाए थे। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो था आपका, हम बताए थे कि सिंप्लीफाई पढ़ना है। सिंप्लीफाई में अभी आप लोग को इतना ही पढ़ना है, ऑड मास पढ़ना है। यह बोर्ड मास भी होता है, मगर आगे 4, 5, 6 में आपको बोर्ड मास का रूप पढ़ना है, मगर अभी हम लोग को ऑड मास ही पढ़ना है। और ऑड मास में क्या क्या होता है, उसकी प्रक्रिया कैसे होती है, एग्जाम्पल से लेकर क्वेश्चन भी हम लेकर आएंगे और उसको बताइए। ऑड मास में होता क्या है, ओ होता है, पहला डिजिट क्या है, ओ है। ओ का मीनिंग जो होता है, ओ का मीनिंग होता है ऑफ। ऑफ का जो होता है कि सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, पहले इसको यूज करेंगे। उसके बाद डी है, डी का मीनिंग होता है डिवीजन। तो ओ का मीनिंग हो गया ऑफ, ऑफ रहेगा। डी का मीनिंग हो गया डिवीजन, मतलब इज कर टू डिवीजन। एम का मीनिंग हो गया मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन का हम यूज करेंगे क्रॉस, मतलब गुणा करेंगे। उसके बाद एडिशन होता है, तो एडिशन करेंगे, है ना, एडिशन प्लस। और लास्ट में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। इतना ही हम लोग को पढ़ना है और बोर्ड मास होता है। इसमें थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं कि अब बी का क्या मीनिंग होता है, इस पे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। तो बी का मीनिंग होता है ब्रैकेट। बी का मीनिंग क्या होता है, ब्रैकेट। इसमें आपको तीन ब्रैकेट मिलेगा, वो तीन ब्रैकेट कौन कौन आएगा, एक यहां आएगा, जो कि हम इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट ब्रैकेट बोलते हैं। स्मॉलेस्ट ब्रैकेट बोलते हैं अगर क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में कहीं कुछ भी रहे, बोर्ड मास का रूल करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो हम स्मॉलेस्ट ब्रैकेट का सबसे पहले यूज करेंगे, या स्मॉलेस्ट ब्रैकेट में चिन्ह कोई भी रहे, या सब्ट्रैक्शन रहे, एडिशन रहे, या डिवीजन रहे, या ऑफ रहे, जो पहले रहेगा उस चीज के अंदर में हम क्या करेंगे, पहले स्मॉलेस्ट ब्रैकेट काम करेंगे, उसके अंदर में जो चीज रहेगा उसका वर्क करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं मतलब मीडियम ब्रैकेट, इसको क्यूबिक ब्रैकेट भी हम कहते हैं, सेकेंड में हम इसका यूज करेंगे, और लास्ट में बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट है या इस तरह से रहता है, और यह बिग ब्रैकेट इस तरह से रहता है, सबसे लास्ट में इसका यूज करते हैं। यह तो हम समझ गए, एक एक करके इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, और एक क्वेश्चन लेने के बाद हम ऑड मास से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं, ऑड मास से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं, और उस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, उस चीज पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है 25 of 5 into 5 क्या हो गया आपका, 5 हो गया, और फिर ऑफ हो गया, ऑफ 3 + 7 - 6। यहां पे हम लोग कर लेते हैं ऑफ 2। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो यहां पे क्या देख रहे हैं, ऑफ का मीनिंग क्या होगा, ऑफ है, ऑफ है, इसका मीनिंग हम बताए थे। मीनिंग क्या होता है आपका, ऑफ का मीनिंग हो गया इनटू, पहले गुणा कर देना है। ऑफ का मीनिंग हिंदी में इसको पढ़ते हैं का, ठीक है, इसलिए इसको 25 of 2 है। इसको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा मेरा आंसर, 25 × 2 = 50 और इनटू, और 5 × 3 = 15 + 7 - 6। अब फिर क्या है आपका, फिर आपको क्या है, 15 × 15, 5 × 50 × 50, तो इसको पहले करेंगे हम, तो क्या होगा, 15 × 5 = 75, और ये कैरी 0 + 6।
सेवन प्लस माइनस सिक्स, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइव सेवन फाइव सेवन माइनस सिक्स, आंसर क्या आ जाएगा सेवन फाइव वन, ये लास्ट मेरा रिजल्ट आ गया। इस क्वेश्चन में हम क्या देखें, इस क्वेश्चन में यही देखें कि हमको क्या है इसका ऑफ का पहले सबसे पहले ऑफ का रूल को फॉलो करना है। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं उस पर ध्यान देते हैं, एक क्वेश्चन और सिंप्लीफाई आज क्लियर कर लेना और मास क्या होता है इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड, क्वेश्चन है वन टू फाइव ऑफ फाइव डिवाइडेड फाइव इंटू टेन प्लस सेवेंटीन माइनस फिफ्टीन, इसको एक एक हम समझते हैं एक एक करके। इस क्वेश्चन में है सबसे पहले ऑफ का काम करेंगे करेंगे ना, ऑफ का पहले वर्क करेंगे तो ये ऑफ का मीनिंग होता है इनटू, ऑफ का मीनिंग क्या हो गया इनटू हो गया, तो ऑफ का जो मीनिंग हो गया इनटू, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं। अब क्या है इसको अगर आपस में करते हैं तो फाइव फाइव का क्या होता है ट्वेंटी फाइव, फाइव टू जा टेन कैरी टू था ट्वेल्व फाइव एट सिक्स, मतलब सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव है। अब डिवाइड है डिवाइड रहेगा फाइव इंटू टेन रहेगा प्लस सेवेंटी है तो प्लस सेवेंटी रहेगा और माइनस फिफ्टीन है तो फिफ्टीन रहेगा। इसमें कहीं पर देख इस पार्ट को सॉल्व करेंगे उसके बाद जो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है उस तरह से क्वेश्चन को क्या करेंगे रिपीट करेंगे हम फिर लिख देंगे। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन क्या आ रहा है कि डिवाइड है उसके बाद मल्टी है मल्टीप्लीकेशन है एडिशन है सब्ट्रैक्शन है तो पहले डिवाइड का उपयोग मतलब हम इसको यूज करते हैं तो देख क्या रहे हैं सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव। अगर आपको डायरेक्ट डिवाइड देने आ रहा है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो जो आप डिवीजन सीखे हैं सिक्स टू फाइव में क्या करेंगे फाइव से वन मरतबे जाएगा एक टू क्या होगा दो मरतबे टेन टू और फाइव क्या हो गया कट के जो इसका क्वेश्चन जो आया क्वेश्चन कितना आया वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव तो यहां हम लिखेंगे वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव इंटू टेन प्लस सेवेंटी माइनस फिफ्टीन। अब इसको सॉल्व करते हैं अब मल्टीप्लीकेशन का बारी आती है तब क्या करते हैं इस पे गुणा करेंगे वन टू फाइव एक जीरो बैठा देंगे। आपको हम ऐड का तरीका मल्टीप्लीकेशन का रूल बताया पिछले वीडियो में इस तरह का ये कैसे होता है और प्लस सेवेंटी है माइनस क्या है फिफ्टीन है तो इसको भी हम सुधारेंगे। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर क्या आ जाएगा थ्री जीरो टू माइनस फिफ्टीन एंसर मेरा क्या हो जाएगा थ्री जीरो फाइव। इस तरह से हम सिंप्लीफाई से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा इस तरह से इसको हम सर डाउन करेंगे क्या। अब एक क्वेश्चन हम और देखते हैं जिसमें सारे चीज हो सारा चीज का यूज करना पड़े हम और मास से जितने भी सारे रूल है उस शब्द को यूज करना पड़े तो ऑड मास हमको अभी तक पढ़ना है ऑड मास पढ़ना है बोर्ड मास पे हम कहेंगे थोड़ा सा उसका हिंट्स बता दिए हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा हम फिर बताएंगे। उसी तरह से बोर्ड मास के रूल पे जो ब्रैकेट है उसका रूल पे क्वेश्चन हम आपको दिए हैं और उसको कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज पे हम ध्यान देते हैं। यह क्या है कि पहले हम क्या देखे थे बी का मीनिंग होता है क्या ब्रैकेट होता है बी का मीनिंग ब्रैकेट होता है ना ब्रैकेट होता है ब्रैकेट में तीन ब्रैकेट होता है एक हो स्मॉलेस्ट हो गया एक मिडिल होता है क्यूबिक ब्रैकेट और एक होता है बिग ब्रैकेट है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप तीनों ब्रैकेट का यूज किए हुए थे स्मॉलेस्ट है उसके बाद मिडिल है उसके बाद क्यूबिक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्मॉलेस्ट ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। तो स्मॉलेस्ट ब्रैकेट में क्या है कौन सा चिन्ह है तो ट्वेंटी फाइव ऑफ ट्वेंटी फाइव ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई करना तो हम इसको बड़ी मध्यम ब्रैकेट और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स टू फाइव फाइव। अब यहाँ पे अप टू डेट अपने हो गया वर्क हो गया तो स्मॉलेस्ट ब्रैकेट यहां से क्या होगा हट जाएगा
अब जो है इसके बाद डिवाइड का चिन्ह है, डिवाइड लिखेंगे, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट है, इनटू 25 है प्लस 125 है माइनस 25 है, यह सच आउट हो गया। अब यहां पे देख रहे हैं कि मिडिल ब्रैकेट है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, रखेंगे पहले बिग ब्रैकेट को रखेंगे ही, अब इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 125 हो गया। अब मिडिल ब्रैकेट अपने आप खत्म हो गया, अब क्या है मेरा 25 प्लस 125 माइनस 25, अब एक बिग ब्रैकेट बच गया, बिग ब्रैकेट बच गया। अब इसमें क्या है, मल्टीप्लाई करना है आपको, सबसे पहले ब्रैकेट को देखते हुए चिन्ह पर ही ध्यान देना है, चिन्ह नहीं ध्यान दीजिएगा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, चिन्ह भी ध्यान देना है। तो चिन्ह में क्या है, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 625 प्लस जो है 125 माइनस 25, यह भी रहेगा क्योंकि वर्क पूरा नहीं हुआ है, वर्क पूरा हो जाएगा तो अपने आप बढ़ जाएगा वर्क। तो ध्यान देना है, अब जो है यहां पे था क्वेश्चन 625 प्लस 125 माइनस 25, अभी प्लस का वर्क करेंगे तो प्लस का वर्क करने के बाद क्या आ रहा है बोलिए, 750 माइनस 25, यह बी ब्रैकेट रहेगा। अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 725 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम ब्रैकेट का जो चिन्ह है उसका यूज करेंगे, एक एक करके करेंगे, मगर हमको अभी ध्यान देना है और मास, और मास को पढ़ना है, और का मीनिंग होता है ऑफ, ऑफ का मीनिंग हिंदी में कहते हैं इसको क्या, गुणा करना मतलब का, डी का मतलब होता है डिवीजन मतलब भाग करना, और एम से होता है मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा करना, ए का मीनिंग होता है एडिशन मतलब ऐड करना मतलब जोड़ना, एस का मीनिंग होता है सब्ट्रैक्शन इक्वल टू माइनस करना घटाना। इस तरह से अब हम जो है यह 65 के जितने भी सारे क्वेश्चन है हम इसको अब देख लिए, अब हमको नहीं लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करेगा, कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं करेगा। और एक्सरसाइज 15 में हम एक चीज देखे हैं, वो चीज में थोड़ा सा टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं, अब वो क्या था, एक क्वेश्चन था आपका सिंप्लीफिकेशन का, तो आप लोग पिछले क्लास में पढ़े हुईगा, बढ़िया से पढ़े उस पर अच्छी तरह से आप लोग वर्क किए हैं कि हाउ मेनी आवर्स और डे मंथ आ गया, आवर्स आया डे आया मंथ आया ईयर आया, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं कैलकुलेट करके देख लेते हैं। आवर का तो क्या होता है, पहले क्या होता है मिनट होता है, मिनट्स मतलब सेकेंड, 60 सेकेंड मतलब 60 सेकेंड मतलब इसका हो गया वन मिनट, वन मिनट हुआ वन मिनट। अब 60 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट इसका टू वन आवर हो गया, और पूछेगा वन डे, वन डे में तो क्या हो जाएगा 20 आवर्स, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं तो 24 आवर्स होते हैं, वन डे इक्वल टू 24 आवर्स है ना, और इसी में आएगा आपको वीक तो 7 डेज इक्वल टू वन वीक, 7 डेज इक्वल टू वन वीक। अब आएगा भी मंथ है ना, तो वन ईयर में टोटल 12 मंथ होते हैं, और 12 मंथ क्या है आपको पता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल है ना मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सबका डेज होता है, कैसे डे होता है इस चीज पे ध्यान देना है कि जनवरी कितने दिन का होता है, तो हम लोग इस पे देखते हैं, ध्यान से देखेंगे इसको, जो ऊपर वाला है ना, जो ऊपर वाला यह 31 दिन का होगा जनवरी 31, जो नीचे गड्ढे में जो है उसको 30 दिन बोलते हैं, फरवरी आप लोग जानते हैं स्पेसिफिक किया गया या वो 28 दिन या 29 दिन का होता है, तो 28-29 दिन कैसे होता है दिन, तो 4 साल के बाद जो है ना वह एक दिन में बदल जाता है, पृथ्वी को एक बार घूर्णन करने में जो है ना 365 दिन 6 आवर्स होता है, यही 6 आवर्स जो है ना 4 साल के बाद एक दिन में बदल जाता है, और वह हो जाता है उस साल का 366
लीप ईयर का जो डे होता है 366 इसी में का एक डे जो है ना फरवरी में इंक्लूड हो जाता है, बढ़ जाता है, वो फरवरी 29 डेज का होता है, 29 डेज का होता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो है हम लोग इसको सेट डाउन करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नहीं पड़ेगा। तो हम बता रहे थे कि ऊपर वाला जो भाग होता है वह 31 होगा, नीचे का गड्ढे का भाग 30 होगा, फिर यह फरवरी 28-29 पे नीचे गड्ढे वाला। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन था कि हाउ मेनी आवर्स आर देयर आर मंथ ऑफ अप्रैल, आवर्स पूछ रहा है तो मंथ अप्रैल में कितने डेज का होता है, तो अप्रैल हम जान रहे हैं कि 30 डेज होता है। आवर्स पूछ रहा है तो यह 30 डेज हो गया अप्रैल में, और आवर आपसे पूछ रहा है तो क्या कीजिएगा, वन डे में 24 आवर्स होता है, उसको क्या करना है 24 × 30 गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 720 आवर्स हो जाएगा इसके आंसर। तो इस तरह से जितने भी सारे इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन होगा क्लास 3 में बोर्ड मास और मास रिलेटेड जितने भी सिंप्लीफाई है ध्यान देना है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि हमको कौन सा क्वेश्चन सेट डाउन करना है, इस चीज पे ध्यान देना, अच्छी तरह से ध्यान देना है आपको, और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको बन जाएगा, है ना, ये सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन जाएगा। तो अब हमको इससे रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर में आपको जो है क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 15 का वो क्वेश्चन हम मतलब बनाएंगे आप लोग को, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। इसलिए आप लोग जो है इसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, बाय, गुड नाइट।